एक आदमी ने अपनी कजिन के साथ शादी की और उसके तुरंत बाद उसकी डेथ हो जाती है। हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है कि उस कजिन ने उसे मार डाला, पर बाद में उसे उससे प्यार हो गया। अब एक्चुअल में हुआ क्या था यह हम मूवी में जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको माय कजिन रेचल 2017 की एक मिस्ट्री रोमांस मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है फिलिप, ये हमें स्टोरी सुना रहा है। फिलिप जब बहुत छोटा था तभी उसके मदर और फादर गुजर गए थे। उसका एक कजन था जिसका नाम था एमरोस। एमरोस ने उसे छोटे से बड़ा किया था, वो उसके लिए फादर की तरह था। फिलिप फिर सिटी में गया अपनी एजुकेशन कम्प्लीट की, पर उसे सिटी में रहना अच्छा नहीं लगता था तो एमरोस के पास वो वापस आ गया। थोड़े दिनों में एमरोस की तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी। उसका इलाज करने के लिए एक सिटी में वो चला जाता है। अब कुछ दिन गुजर चुके थे और फिलिप को एमरोस का लेटर मिला। इस लेटर में लिखा था कि अब उसकी तबीयत अच्छी है। एमरोस की और एक कजन थी जिसका नाम था रेचल। रेचल एक विडो थी, उसी के साथ वो रह रहा था। ये लेटर जब फिलिप ने अपने लॉयर को सुनाया तो लॉयर बहुत ही इंट्रिक्ट हो गया। वो कहता है एमरोस को कभी भी लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था, ये फर्स्ट टाइम उसने किसी लड़की के बारे में बात की है। इसी लॉयर की एक बेटी भी है जिसका नाम है लुइस। लुइस एक्चुअल में फिलिप को बहुत लाइक करती है, पर फिलिप को इसके बारे में पता ही नहीं है। इसके बाद और एक लेटर आया जिसमें लिखा था कि अब मैं रेचल से शादी करने वाला हूँ। इसके बारे में पता चलने के बाद लुइस फिलिप से कहती है तुम्हें भी अब सेटल होना चाहिए, शादी कर तुम भी खुश रह सकते हो। हमेशा की तरह फिलिप इस बात को इग्नोर कर देता है। कुछ दिन गुजर गए और फिलिप को और एक लेटर मिला। इसमें एमरोस ने लिखा था मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं लेटर लिख पा रहा हूँ क्योंकि रेचल यहाँ नहीं है, वो हमेशा मुझ पर नजर रखती है। इस लेटर से वो बता रहा था कि रेचल उसे मारना चाहती है। इस लेटर से वो फिलिप को बुलाता है। फिलिप भी जल्दी से निकल जाता है। वहाँ पहुँचने पर एमरोस के और एक लॉयर रेनाल्डी से उसे पता चला कि एमरोस की डेथ हो चुकी है। फिलिप इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसे लगता है कि रेचल ने उसे मारा, पर रेनाल्डी उसे समझाता है कि एमरोस को ब्रेन ट्यूमर था। अपने लास्ट के दिनों में वो कुछ भी बोलता था। फिलिप ने रेचल के बारे में पूछा तो रेचल यहाँ से चली जा चुकी थी। रेनाल्डी ने फिलिप को डेथ सर्टिफिकेट दिखाया जिस पर साफ साफ लिखा था कि एमरोस की डेथ ब्रेन ट्यूमर की वजह से हुई थी। फिलिप इस बात पर बिलीव नहीं करता। उसे अब भी लगता है कि रेचल ने उसके कजन को मार डाला। फिलिप फिर घर आया, अपने लॉयर से बात करता है। उसने एमरोस की विल देखी जिसमें लिखा था कि सारी प्रॉपर्टी फिलिप को मिलेगी। इसमें रेचल के बारे में कुछ भी लिखा नहीं है। फिलिप कहता है कि रेचल ने उसे मारा। लॉयर कहता है रेचल का उसे मारने के पीछे कोई भी मोटिव नहीं है, सारी प्रॉपर्टी तो तुम्हें मिल गई है। इस विल में और एक शर्त थी कि फिलिप जब 25 ईयर्स का होगा तभी उसे सारी विल मिलेगी। तब तक इस पर उनका लॉयर नजर रखेगा, इसका नाम है निक। एक दिन फिलिप को रेचल से लेटर मिला, वो यहाँ आना चाहती थी। फिलिप इस बात से बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है, वो नर्वस था तो उसके पास लुइस आई हुई थी। फिलिप डिसाइड करता है कि रेचल के लिए वो बहुत ही घटिया सा रूम देगा। लुइस फिलिप को सपोर्ट करने के लिए, सहारा देने के लिए यही रुकने के लिए रेडी थी, पर फिलिप उसे जोर से मना कर देता है। फिलिप को बाद में अपनी गलती रियलाइज हुई, उसे सॉरी भी कहता है। वो थोड़ी देर में घर से बाहर चला गया था और रात में वापस आया तो उसका सर्वेंट उसे कहता है कि रेचल ऑलरेडी अपने रूम में है। रेचल ने अपने खुद के लिए अच्छा सा रूम ले लिया था। फिलिप उसे डिनर के लिए लेट करवाने वाला था, पर रेचल डिनर करती ही नहीं। थोड़ी देर में रेचल ने फिलिप को मैसेज दिया कि अगर वो उसे मिलना चाहता है तो आकर मिल सकता है। रेचल फिलिप को देखकर बहुत ही सरप्राइज थी क्योंकि फिलिप और एमरोस ये बहुत से सेम दिखते थे। फिलिप ने भी रेचल को जैसे इमेजिन किया था वो वैसी नहीं थी, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है तो उसे कुछ भी बोलता नहीं। रेचल फिलिप को नर्वस देखकर कहती है अगर तुम चाहो तो स्मोक कर सकते हो। रेचल ने कहा कि एमरोस ने मुझे इस रूम के बारे में स्टोरी बताई थी, ये एक्चुअल में तुम्हारे एंड का था। तुम्हारी एंड एक क्यूरेट के प्यार में पड़ गई थी। जब उसका प्यार सक्सेस नहीं हो पाया तो बहुत सालों तक उसने कोई भी शादी नहीं की। जब वो ओल्ड हो गए तो फिर से और एक क्यूरेट के प्यार में पड़ गए। जिस दिन उसकी शादी हुई थी उसी रात शौक से उसकी डेथ हो गई थी। ये स्टोरी रेचल ने अभी अभी बनाई तो इस बात पर ये दोनों बहुत हंसते हैं। रेचल की पर्सनैलिटी बहुत ही लाइकेबल थी। वो अगले दिन अपने हॉर्स पर बाहर निकलती है। एमरोस जो भी चीज़ें करता था, जो भी चीज़ें उसे अच्छी लगती थी, ये सब वो ट्राई करना चाहती थी। फिलिप भी उसके साथ आया। ये दोनों साथ घूमते हैं, साथ चर्च में जाते हैं, तो सारे लोग इन्हें घूर रहे थे। फिलिप ने अपने सब फ्रेंड्स वगैरह को बुलाया और जब ये डिनर करते तो रेचल सबसे घुल मिल जाती है, सबको बहुत पसंद आई थी। डिनर के बाद रेचल ने फिलिप से कहा तुम्हें लुइस से शादी करनी चाहिए।
जिस तरीके से वो तुम्हें देखती है उसे साफ साफ पता चलता है कि वो तुम्हें बहुत लाइक करती है। फिलिप कहता है कि मुझे उस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं, पर मुझे पता है मुझे तुम्हें देखना बहुत अच्छा लगता है। रेचल यहाँ से जाना चाहती थी तो फिलिप कहता है कि यहीं रुक जाओ। रेचल का प्लान था कि अलग सिटी में जाएगी, वहाँ पर लोगों को इटालियन लैंग्वेज की लेसन देगी। फिलिप उससे कहता है कि एक विडो के लिए लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट होती है, तुम यहाँ रह सकती हो। इस बात से रेचल बहुत ही हर्ट हो गई, वो मानने नहीं वाली थी। तो इसके बाद फिलिप अपने लॉयर के पास गया, वो उसे कहकर रेचल को बहुत सारे पैसे दे देता है। यहाँ से जाते वक्त लुइस से उसकी बात हुई। फिलिप कहता है तुम उस दिन बहुत ही अपसेट थी। लुइस कहती है तुमने नोटिस किया, तुम तो सिर्फ रेचल में ही गायब थे। सबने बात नोटिस की थी कि रेचल तुम्हें मैनिपुलेट कर रही है। फिलिप इस बात को इग्नोर कर देता है। वो जब घर पर आया तो रेचल को उसने जो भी पैसे दिए थे इसी रिसिप्ट उसने उसे दिखाई। रेचल इस बात पर गुस्सा हो जाती है, इस तरीके से उसे कोई भी पैसों की जरूरत नहीं थी। वो कहती कि अगर इसके बारे में किसी को पता चला तो लोग क्या समझेंगे। रात में फिलिप फिर से रेचल से मिलने के लिए आया तो रो रही थी। फिलिप उसे समझाता है कि अगर एम्ब्रोस जिंदा होता तो ये सारी चीजें तुम्हारी होती। ये पैसे लेने के लिए उसे कन्विंस कर देता है। रेचल कहती है कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ पर यहाँ से चली जाऊंगी। फिलिप कहता है तुम्हारा यहाँ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसने रेचल को कन्विंस कर दिया कि वो यही रहे। इसके बाद फिर रेचल ने घर में बहुत सारे चेंजेस किए थे। आसपास जो भी लोग रहते थे अगर उन्हें कोई भी बीमारी हुई तो रेचल उन्हें हेल्प करती थी। एक दिन एम्ब्रोस से फिलिप को जो भी लेटर मिला था ये लेटर उसने रेचल को दिखाया। रेचल कहती है तुम शायद मुझे हेट करते थे। फिलिप कहता है कि जब मैं तुमसे मिला तो मुझे पता चला कि वो सब कुछ झूठ था। फिलिप कहता है कि अब मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। उसने लेटर जला दिया। ये अब डिसाइड करते हैं कि एम्ब्रोस के कपड़े वगैरह ये सारे लोगों को बांट देंगे। ये सारी चीज़ें देखते देखते रेचल इमोशनल हो गई थी तो फिलिप ने उसे सहारा दिया। अब इसके बाद क्रिसमस का टाइम आ चुका था। फिलिप रेचल के लिए एक ट्री बनवाता है। वो अपनी फैमिली ट्रेजरर के पास गया। उसकी मदर ने अपने वेडिंग में जो नेकलेस पहना था उसे लेकर आता है। ट्रेजरर उसे कहता है कि अब तक तुम 25 ईयर्स के नहीं हो, तुम्हें ऑफिशियली ये सब नहीं मिला है। फिलिप माना नहीं और ये लेकर गया। रात में उसने रेचल को गिफ्ट किया। रेचल को भी ये बहुत पसंद आया। इसके बाद ये दोनों करीब आकर एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इनके यहाँ पर आज पार्टी थी। फिलिप ने रेचल के लिए जो ट्री बनवाया था ये देखकर रेचल को बहुत अच्छा लगा। पार्टी में सारे लोगों ने बहुत एंजॉय किया। पार्टी में निक देखता है रेचल के पास फिलिप की मदर का नेकलेस है। उसने फिलिप से बात की, कहा कि तुम अब तक 25 ईयर्स के नहीं हो, तुम्हें नेकलेस रेचल को नहीं दे सकते। निक ने रेचल के अकाउंट्स भी देखे थे। जो भी पैसे फिलिप ने रेचल को दिए थे इसमें से बहुत सारे पैसे रेचल ने खर्च कर दिए, बाकी पैसे कंट्री के बाहर भी भेजे। फिलिप कहता है रेचल बहुत ही जेनरस है, उसने घर में बहुत सारे चेंजेस किए, वो लोगों को हेल्प करती है, शायद इसी वजह से सारे पैसे खर्च हो गए। उसके अकाउंट में और कुछ पैसे डाल दो। निक कहता है कि मैंने रेचल के बारे में और भी इंफॉर्मेशन निकाली। उसके फर्स्ट हस्बैंड की डेथ एक फाइट में हुई थी। एक और आदमी था जो रेचल को लाइक करता था, उन दोनों में ही फाइट हुई थी। फिलिप को इस सारी बातों पर बिलीव नहीं होता। रेचल को थोड़ी देर में पता चला कि इस नेकलेस की वजह से इन दोनों में फाइट हो रही है, तो जाकर ये नेकलेस निक को दे देती है। फिलिप बहुत ही अपसेट हो गया। वो कहता है कि अगर एम्ब्रोस जिंदा होता तो वैसे भी ये सब सारी चीज़ें तुम्हारी होती, उसे तुम्हारे लिए विल लिखनी चाहिए थी। रेचल कहती कि एक्चुअल में उसने एक विल लिखी थी पर कभी भी उस पर साइन नहीं किया। फिलिप कहता है कि ऐसा क्यों। रेचल ने कहा कि मैं प्रेग्नेंट थी पर मुझे मिसकैरेज हो गया। इस बात की वजह से एम्ब्रोस बहुत ही अपसेट हो गया था। उसके बाद उसने मुझसे बात करना छोड़ दिया। उसकी तबीयत और भी खराब हो गई और इसी वजह से उसने कभी भी विल पर साइन नहीं किया। फिलिप ने विल देखी जो एम्ब्रोस की हैंडराइटिंग में थी। उसने फिर डिसाइड कर लिया कि रेचल ये सब डिजर्व करती है तो सारी प्रॉपर्टी उसे दे देगा। लॉयर भी इंटेलिजेंट था, उसने लिखा कि रेचल ने अगर फिर से शादी की तो सारी प्रॉपर्टी फिलिप को मिल जाएगी। फिलिप को पता था कि रेचल अब तीसरी शादी नहीं करेगी। ये विल उसने क्रिएट कर ली। एक दिन रेचल से मिलने के लिए उसके पास रेनाल्डी आया। रेनाल्डी और रेचल एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड थे। ये बहुत सारी बातें करते, एक साथ टाइम स्पेंड करते, ये सब बातें फिलिप को अच्छी नहीं लगी। रेचल रात में आकर फिलिप को समझाती है कि हम दोनों बहुत दिनों बाद मिले, हमें बहुत सारी बातें करनी है। इसके बाद थोड़े दिन गुजर गए। अब कल फिलिप 25 ईयर्स का होने वाला था। वो अपने लॉयर के पास गया, अपनी फैमिली की सारी ज्वेलरी उसने ले ली। रात में वो एक रोमियो की तरह खिड़की से चढ़कर रेचल के पास पहुंचता है। सारी ज्वेलरी उसने उसे दे दी।
कहता है कि अब मैं 20 ईयर्स का हो चुका हूँ। अपने हाथों से अपनी मदर का नेकलेस उसे पहना है। उसने कहा कि अब मुझे पता चल चुका है कि मुझ में क्या कमी है, मैं क्या चाहता हूँ। ये दोनों करीब आ गए और इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह फिलिप रेचल को नई विल देकर यहाँ से चला जाता है। बाद में उसे मिलने के लिए गया पर रेचल अपने लॉयर के पास गई हुई थी। फिलिप उसका बहुत वेट करता है। वापस आने के बाद रेचल कहती है कि इस विल में लिखा क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसी को जानने के लिए मैं गई हुई थी। फिलिप फिर उसे चलते चलते फूलों के गार्डन में लेकर आया। यही पर वो उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। हम मूवी में देखते हैं कि रेचल हमेशा फिलिप को एक चाय देती है। ये बहुत ही कड़वी है पर उसके हेल्थ के लिए अच्छी थी, इसी वजह से फिलिप हमेशा इसे पी लेता है। आज रात फिलिप की तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी। उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए लॉयर और उसकी बेटी लुइस आए हुए थे। यही डिनर पर फिलिप अनाउंस करता है कि वो रेचल से शादी करेगा। इस बात से रेचल गुस्सा हो गई। रेचल फिर से अब तीसरी शादी नहीं करना चाहती थी। उसने पूरी तरीके से फिलिप का प्रपोजल ठुकरा दिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कल रात के बारे में फिलिप और लुइस ये दोनों बात कर रहे थे। फिलिप को पता है कि लुइस उसे लाइक करती है और फिलिप भी उसे लाइक करता है, पर उसे लगता है कि शायद दोनों एक साथ रहे तो एक दूसरे को हेट करेंगे, और वैसे भी वो रेचल से प्यार करता है। वो फिर से उसे शादी के लिए पूछेगा। लुइस कहती है कि जब तुमने विल बनाई नहीं थी तो तुम्हारे साथ थी, जब उसे सारी प्रॉपर्टी वगैरह मिल गई तो अब तुम्हारे साथ वो शादी नहीं करना चाहती। इस बात से फिलिप डिस्टर्ब हो जाता है। वो घर आकर रेचल के साथ बात करना चाहता था पर रेचल के साथ एक छोटी लड़की है। रेचल कहती है कि मैं अकेली पड़ जाती हूँ तो ये मुझे कंपनी रखेगी। वो फिलिप के साथ अकेले में बात नहीं करना चाहती। इस सब की वजह से फिलिप की तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो गई। ऐसी हालत में रेचल उसका बहुत ख्याल रखती है। बहुत दिनों तक वो अनकॉन्शियस था और थोड़ी दिनों बाद वो फिर से ठीक हो गया। एक दिन फिलिप जब एम्ब्रोस की बुक्स देख रहा था तो एक बुक में लिखा था रेचल मुझे मारना चाहती है। इसके बाद फिलिप फिर से रेचल पर शक करने लग गया। एक दिन वो उसका पीछा करता है तो रेचल जाकर रेनाल्डी से मिल रही थी। इस बात को लेकर उसने उसे कन्फ्रंट किया। रेचल कहती कि वो सिर्फ मेरा एक दोस्त है, पिछली बार तुम उस पर गुस्सा हो गए थे, इसी वजह से मैंने फिर से तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया। फिलिप कहता है कि उसे जाने के लिए कहो पर रेचल इस बात को मानने नहीं वाली थी। वो कहती कि सारी प्रॉपर्टी मेरी है, मुझे जो लगे वो मैं कर सकती हूँ, एज माई प्रोटेक्टर वो यहाँ इस घर में रह सकता है। इस बात पर फिलिप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, उसने उसका गला पकड़ लिया था। रेचल इस बात पर रोने लग गई। वो कहती है यही सारी चीज़ें एम्ब्रोस के साथ भी हुई थी, ये वो फिर से नहीं झेल सकती, हमेशा सारे आदमी उसे बांध कर रखना चाहते थे, ये बात उसे पसंद नहीं। अब वो फाइनली फ्री है। हमने मूवी में देखा था कि रेचल ने एम्ब्रोस के सारे कपड़े लोगों को दे दिए थे। एक दिन एक आदमी फिलिप के पास आया। एम्ब्रोस के शर्ट में एक नोट थी, ये नोट फिलिप ने पढ़ी। इसमें लिखा है कि रेचल मुझे पॉइजन देकर मार रही है, जो टी मुझे वो पिलाती है उसकी टी में पॉइजन है। फिलिप जो भी शक रेचल पर करता था ये सारा कन्फर्म हो गया। ये सब बात वो लुइस को बताकर उसकी हेल्प लेता है। एक दिन लुइस फिलिप के पास आई हुई थी। रेचल कहती कि मैं हॉर्स राइडिंग के लिए जाना चाहती हूँ। उसके जाने के बाद फिलिप और लुइस सारे घर को ढूंढते हैं। उन्हें रेचल के खिलाफ कुछ एविडेंस चाहिए था। इन्हें एक लेटर मिला जो रेनाल्डी ने लिखा था। रेनाल्डी रेचल को बुला रहा था कि वो भी उसके साथ आकर इटली में रहे। रेचल ने उसे आंसर दिया था कि वो फिलिप को इस तरीके से छोड़कर नहीं जा सकती। इसमें रेनाल्डी लिखता है कि अगर तुम चाहो तो उसे भी लेकर आ सकते हो। इस लेटर की कन्वर्सेशन से इन्हें पता चला कि एक्चुअल में रेनाल्डी के है। रेचल और उसके बीच में कुछ भी नहीं था, वो दोनों एक्चुअल में सिर्फ फ्रेंड्स थे। ये पता चलने के बाद फिलिप को बहुत पछता हुआ कि रेचल पर उसने शक किया। वो जल्दी से राइड करते करते रेचल के पास आ रहा था पर उसने देखा कि क्लिफ से नीचे गिरकर रेचल की डेथ हो चुकी है। ये क्लिफ इतनी स्ट्रांग नहीं थी। एक बार फिलिप भी यहाँ से नीचे गिरकर मरने वाला था। रेचल को इसके बारे में पता नहीं था तो इसी वजह से उसके नीचे गिरकर डेथ हो गई। जो भी हुआ इसको लेकर फिलिप बहुत पछताता है। रेचल हमेशा एम्ब्रोस के साथ फेथफुल थी पर एम्ब्रोस को ट्यूमर था, इसी वजह से सारी चीज़ें वो इमेजिन कर रहा था। इसके बाद मूवी में थोड़ा टाइम गुजर चुका है। हम देखते हैं फिलिप और लुइस ने शादी कर लिया। इनके दो बच्चे भी हैं। ये दोनों एक साथ बहुत खुश थे। फिलिप ने रेचल के साथ जिस तरीके से बिहेव किया इसको लेकर आज भी वो पछताता है। वो वंडर करता है कि वो जिस तरीके से है ऐसा रहकर वो अपने बच्चों को क्या सिखाएगा। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दोनों मत भूलिएगा।
हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।